सबसे पहले मुझे तुरंत कमेंट करो क्या वॉइस क्वालिटी परफेक्ट है वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देखने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से क्लैट में हो सकता है पूछ डाले तो एक एक चीज को समझेंगे बहुत अच्छे से देखेंगे दुर्गेश वेरी वेरी गुड इवनिंग तो फटाफट सेशन को जितना ज्यादा हो सके बच्चा शेयर कर दीजिए जिससे सारी इंफॉर्मेशन और बच्चों तक भी पहुंच सके जो अभी अभी इसमें जुड़े हैं तो हम करने जा रहे हैं मिक्सर और एलिगेशन चैप्टर की बहुत ही तरीके से धुआंधवार शुरुआत ठीक है बच्चा क्या सभी रेडी हैं सबसे पहले मिक्सर एंड एलिगेशन के मींस को समझ लेते हैं अगर मैं एक बार मुझे फटाफट कमेंट करो सभी तक वॉइस क्लियर है बच्चा एक बार मुझे फटाफट -फड़ कमेंट कर दो क्या वॉइस क्वालिटी परफेक्ट है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिक्सर का जस्ट मींस होता है मिक्स करना एलिगेशन का वैसे मींस होता है एलिगेश एलिगेशन करना आरोप लगाना लेकिन यहां एलिगेशन का मतलब ये नहीं है एलिगेशन का मतलब है कि प्रथिक अलग अलग करना सेपरेशन सेपरेशन करना तो मिक्सर करना और उनको सेपरेट करना ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं ठीक है बच्चा तो सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी 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 गुड इवनिंग वेरी वेरी। नहीं करते हैं और, बेसिक से करना करेंगे, और अपर लेवल तक जाने वाले हैं बेसिक से देखेंगे अपर लेवल तक जाएंगे क्वेश्चन किस टाइप्स के बनते हैं मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो एक चीज समझते जनरल देखूं सर मिक्सर एलिगेशन किस चीज का दूसरा फॉर्मेट है मतलब इसका ओरिजिन कहां से हुआ है तो पहला पॉइंट मैं बता दूं कि मिक्सर एलिगेशन का जो ओरिजिन हुआ है दैट इज फ्रॉम द एवरेज पहला पॉइंट मिक्सर एलिगेशन का ओरिजिन बच्चा किस चैप्टर से फ्रॉम एवरेज कंप्लीट एवरेज के कंसेप्टों से मिक्सर एलिगेशन को निकाला गया है इसके लिखने का मेथड वे ऑफ मेथड कैसे हैं वो प्योर एंड प्योर बेस है एवरेज पर दूसरा पॉइंट मिक्सर एलिगेशन को हम लिखते कैसे हैं बच्चा मिक्सर एलिगेशन ऐसे होता है हमें तीन डेटा चाहिए एलिगेशन से आपको क्वेश्चन करने के लिए तीन डेटा चाहिए आप तीन डेटा अगर लिखते हैं तो आप मिक्सर एलिगेशन के कंसेप्ट को जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं यहां लिखेंगे फर्स्ट डेटा दैट इज द फर्स्ट लिखेंगे सेकेंड डेटा द सेकेंड यहां लिखेंगे थर्ड डेटा क्या ये आप समझ पा रहे हैं तीन डेटा चाहिए मिक्सर मिक्सर ये जनरल फॉर्मेट है एलिगेशन के क्वेश्चन को करने का पहला डेटा यहां होगा दूसरा डेटा यहां होगा तीसरा डेटा इसका मतलब सर तीनों डेटा सेम कैटेगरी के, के होने चाहिए बिल्कुल अगर यहां पर स्पीड है तो यहां भी स्पीड यहां कॉस्ट प्राइस है तो यहां भी कॉस्ट प्राइस तीनों जगह सेम डेटा होना चाहिए मैं इसको डिटेल में समझाने का ट्राई करता हूं चलिए चैप्टर के अंदर चलते हैं। ठीक है बच्चा? कोई डाउट किसी को? पहले क्वेश्चन से ही सीधा उठाते हैं ताकि आप क्वेश्चन और चैप्टर कंसेप्ट बहुत प्यारे तरीके से समझ पाओ आ जाओ सभी नंबर वन पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है बच्चा इन रेशियो टी एट सिक्स थ्री रुपीज पर केजी

ड्रॉप नहीं करना चाहिए अगर आप बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल विदाउट एनी डिले बिना किसी ऐसी क्वेश्चन uh, के ज्वाइन करो। और अगर आपको कोई माइंड में ऐसा है कि मैं और हायर NLU लेना चाहता हूं एनएलयू uh, और हाई रैंक का एनएलयू लेना चाहता हूं तो साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो लेकिन बिल्कुल भी ड्रॉप मत करो बिल्कुल बिल्कुल uh, ज्वाइन करो है ना एक सेकंड का ड्रॉप मत करो बच्चा क्योंकि ये क्लैट है कुछ क्लियर नहीं है कुछ भी चांसेस नहीं है कि आपको दोबारा से ये एनएलयू भी मिले कल ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपकी रैंक बहुत इंप्रूव हो जाए लेकिन ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट रैंक आपकी रैंक और डिक्रीज हो जाए तो कुछ भी पॉसिबल है इस वजह से मैं बोलूंगा बिल्कुल भी डिले ना करें बिल्कुल भी अपना जो भी एनएलयू है ले लो एडमिशन लो साथ साथ देते रहो यार क्या जा रहा है अगली बार भी क्लैर दे देना आपको ऐसा लग रहा है कि आप दे सकते हो तो क्लैर दे देना और अगर बहुत अच्छी रैंक आती है तो इस जो कर सकते हो नहीं तो फिर ये कैंडीन्यू चलेगा तो दोनों चीजों को मिक्स करना है पहला जो टी का रेट है वो है टी हमें चीजों को मिक्स करना इन वट टी एट सिक्स पर केजी मिक्स करना अनदर टाइप ऑफ टी दूसरा रेट कितना है नाइनटी रुपीज पर के जी

तो अगर कोई पूछे सर ये तीन डेटा आया कहां से तो ये तीन डेटा का कंसेप्ट आया एवरेज से इतना करने के बाद क्या करना है बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करिए तो आप बोलेंगे बड़ी डिजिट कोई मैटर नहीं करता ये डिजिट बड़ी हो या ये डिजिट बड़ी हो इसमें से माइनस करिए टू रेशियो वन कमेंट करो हा या ना बोलो 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 बच्चा क्लियरिटी है कमेंट करो बोलिए क्या ये सबको क्लियर है यस और नॉट किसी को भी क्लियर ना हो तो कमेंट करो तो इन दोनों को आपस में किस रेशो में मिलाना चाहिए मिक्स करना चाहिए दैट इज टू रेशो वन नन ऑफ दीज ठीक है बहुत बढ़िया आइए क्वेश्चन लेते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन सात uh, uh, रुपए पर के जी को बारह आठ बारह रुपए पर केजी के हिसाब से एट रुपीज पर केजी के जी आ जाना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जूनक ज्योति बच्चा क्या कह रहे बताओ हाँ ज्योति जिसको अलाउट है दोबारा देख लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो दोबारा देखो इसको देखो पहला वाला रेट है वो है ट्वेल्व रुपीज पर केजी और दूसरा वाला रेट है सेवन रुपीज पर के जी मैं दोनों को मिक्स करके मिड वैल्यू बनाना चाहता हूं जिसका सीपी कॉस्ट प्राइस विल बिकम एट रुपीज पर के जी याद रखना मिड वाली जो डेटा होता है ये वाला डेटा ये ऑलवेज इन दोनों डेटा के मिड में लाई करेगा ये वाला डेटा दोनों के मिड में लाई करेगा बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करेंगे वन और ये हो गया फोर बोलो हा या ना तो दोनों को किस रेशियो में लिखेंगे वन रेशियो फोर बताइए बराबर नॉट बी इज द राइट आंसर क्या क्लैरिटी है क्या क्लैरिटी है कमेंट करो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लें आ जाओ फाइंड द रेशो इन विच राइस रेशो राइस का रेशो बताना है राइस 7.20 पर के 7.20 पर के मिक्स करना है

जब तक अंशी आ, का आंसर आ चुका है टू रेशो थ्री ऑप्शन नंबर बी सभी निकालो बच्चा जो भी बच्चे हैं सारे आंसर देंगे सेवन पॉइंट टू जीरो फाइव पॉइंट सेवन जीरो सिक्स पॉइंट थ्री जीरो यस और नॉट बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करेंगे कभी-कभी क्या होता बच्चा जब तीनों जगह पॉइंट हो तो पॉइंट हटा दो मैटर इससे कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा ये नाइनटी हो गया और ये सिक्सटी हो गया टू थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री या नाइन टू रेशो थ्री इज द राइट आंसर कमेंट करो क्या क्लैरिटी है क्या बच्चा क्लैरिटी है वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा चलो कई बार इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसी थर्ड एलिमेंट या किसी थर्ड ऑब्जेक्ट से कंपेयर होती है जबकि उस थर्ड ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं होता जैसे देखो साफ साफ बोला गया है गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर गोल्ड पानी से 19 गुना भारी है एंड सिल्वर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर और चांदी पानी से 9 गुना भारी है इन व्हाट रेशियो शुड दीज बी मिक्स्ड वगैरह दोनों को किस रेशियो में मिलाएं टू गेट अलॉय 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर तो ताकि मिक्स अलॉय चांदी से या पानी से पंद्रह गुना भारी हो जाए कैसे मिलाए? टू थ्री थ्री टू फोर फाइव या सिक्स सेवन तो जब किसी तीसरे से कंपेयर हो तो कैसे निकालते अब कंपेर किसी तीसरे से हो रही है बहुत बढ़िया, तो बढ़िया कंपेयर किसी तीसरे से कर रहे हो गोल्ड सिल्वर गोल्ड एंड नाइनटीन टाइम्स सिल्वर एंड नाइन टाइम्स दोनों को मिलाने पर फिफ्टीन टाइम्स कमेंट करो सिक्स फोर टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर थ्री रशो टू बोलो क्या क्लैरिटी है थ्री रशो टू इज द राइट आंसर टाइप नंबर टू दूसरी वैरायटी कैसे बनती है इसमें आइए दूसरी वैरायटी बच्चों, आ जाओ दूसरी वैरायटी, दूसरी वैरायटी में क्या होगा अभी तक की वैरायटी में क्या होता था तीनों डेटा सेम होते थे फर्स्ट डेटा अगर कॉस्ट कौ, प्राइस है तो सेकंड डेटा भी कॉस्ट प्राइस होगा और थर्ड डेटा भी कॉस्ट प्राइस होगा हाँ जी, जी हेलो बच्चा हेलो तीनों डेटा सेम होते हैं तो डेट इज लेकिन अगर तीनों डेटा सेम ना हो डेट इज कॉल्ड वेराइटी नंबर टू जैसा समान ध्यान से इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट ट्वेंटी टू रुपीज पर के जी बी मिक्स राइस को मिलाना है 22 रुपए पर केजी के हिसाब से विद अनदर टाइप ऑफ राइस दूसरे राइस के साथ एट 28 रुपए पर केजी पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 28 रुपए पर केजी दूसरे वाले का 28 रुपए पर केजी कमेंट करो फटाफट यस और नॉट और मिलाना ऐसे है कि मिक्स मिक्स करने पर सेलिंग सेल करने पर ये सेलिंग प्राइस है 30 रुपए पर केजी एक पर्सन को 20% का गेन हो जाए बताएगा मुझे इस वेराइटी में पहले से क्या डिफरेंस है कमेंट करो ये वेराइटी पहले से क्यों अलग है इस वैरायटी में पहले से क्या डिफरेंस है इस वैरायटी में पहले से क्या अलग है क्या डिफरेंस है बोलो 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 बच्चा वैरायटी में तीन डेटा चाहिए याद रखना पहला डेटा दूसरा डेटा तीसरा डेटा अगर ये तीनों डेटा सेम है तो आप कहेंगे वैरायटी नंबर वन है और अगर ये तीनों डेटा सेम नहीं है तो ये वैरायटी नंबर टू है जैसे मैं राइस को मिक्स करने वाला हूं एक मेरे पास राइस है बहुत ही खराब क्वालिटी का या बोल सकते हैं ट्वेंटी टू रुपीज पर केजी का एक मेरे पास राइस है ट्वेंटी एट रुपीज पर केजी का थोड़ा सा अच्छा महंगा अब मैं चाहता मिक्स करने पर मैं ऐसा कौन सा मिक्सर बना लूं दोनों को मिला के कि उस मिक्सर को थर्टी रुपीज पर केजी के रेट से, से सेल करने पर मुझे ट्वेंटी परसेंट का गेन हो अब यहां तो आपने बोला सीपी है यहां पे आपने बोला सीपी है तो यहां भी मुझे सीपी ही चाहिए लेकिन यहां क्या गिवन है एसपी आप समझ पा रहे हैं इससे पहले हमने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा है बहुत बेहतरीन तरीके से और उसमें हमने सीपी से एसपी एसपी से सीपी कन्वर्जन सीखा है एक बार मैं दोबारा बताता हूं इन शॉर्ट बता रहा हूं 20 परसेंट कितना बनाता है वन अपॉन फाइव के आर्टिकल को आप बेचेंगे छह में बहुत बढ़िया वन का प्रॉफिट सीपी एसपी बहुत बढ़िया बता ज्योति ने बिल्कुल सही बताया एक्चुअल में एसपी है थर्टी रुपीज पर के जी डेट इज फाइव टाइम इसका भी फाइव टाइम ट्वेंटी फाइव रुपीज पर के जी तो यहां आएगा ट्वेंटी फाइव रुपीज पर के जी बड़ी डिजिट मे छोटी को माइनस अट्ठाइस माइनस पच्चीस तीन पच्चीस माइनस बाईस तीन वन रेशो वन बताइए सीपी 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 रखना है तो टू रेशो थ्री नहीं आंसर बच्चा राइट आंसर इज वन रेशो वन बताओ बच्चा क्या क्लैरिटी है क्या सबको क्लैरिटी है कि नहीं मुझे तुरंत कमेंट करो क्लियर और नॉट ठीक है चलो फिर इस टिपिकल इस टेढ़े क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं देखना चाहता हूं बच्चे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कौन आंसर निकालता इनवर्ट वर्ट रेशियो मस्ट राइस राइस का रेशियो गिवन है

कोई आइडिया कोई आइडिया कोई आइडिया हो तो बोलो सिंपल सी चीज है तीन चीजों को हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं पहला वाला जो रेट है वो है थर्टी सेवन रुपीज पर के जी दूसरा वाला है फोर्टी एट पॉइंट फोर रुपीज पर के जी पॉइंट है तीसरा वाला है फोर्टी सिक्स रुपीज पर के जी बोलो क्या बच्चा क्लैरिटी है इतना मिड में जो वैल्यू आएगी क्या मैं फोर्टी सिक्स मिड में रखना ठीक है कमेंट करो येस नॉट कुशल गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चा क्या 46 को मिड में रखना परफेक्ट है या नहीं 46 को मिड में रखा जा सकता है या नहीं बोलो क्या 46 को मिड में रखा जा सकता है या नहीं, नहीं रखा जा सकता भाई बिकॉज दैट इज द सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेलिंग प्राइस इज फोर्टी सिक्स रुपीज पर के जी एंड प्रॉफिट इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट इज फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड थ्री अपॉन ट्वेंटी थ्री अपॉन ट्वेंटी मीन्स ट्वेंटी के आर्टिकल को तीन के प्रॉफिट पर सेल किया ट्वेंटी थ्री और एक्चुअल में फोर्टी सिक्स टू टाइम्स फोर्टी बोलिए तो यहां आएगा फोर्टी बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस बोलो 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 बच्चा किसी को कोई भी डाउट हो तो फरमाइए सिंप्लीफाई कर लेंगे सिक्स है फोर्टीन सिक्स जाओ एंड सिक्स फाइव जा तो इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करना है फोर्टीन रेशो फाइव फरमाओ 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 किसी को कोई भी डाउट तो बोलो जी चले ठीक है परफेक्ट है चलो थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं आ जाइए कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाले हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग ट्वेंटी रुपीस पर के जी लास्ट वाला रिपीट कर दिया हाँ बच्चे जानवी बताइए जानवी बच्चे बताइए क्या लेनी है ये 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 वाला क्लियर है आपको एक बार चाहे आ, आप जिस बच्चे ने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर नहीं पढ़ा है हमसे इससे पहले वाली क्लास हुई थी छह से सात क्लास है प्लीज प्रॉफिट लॉस भी देखो उसमें मैंने पूरा बताया कि ये फॉर्मूला का यूज कैसे हुआ है फॉर्मूला आया कहां से है विद फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शन से कैसे करना है और एक बार अगर आपके पास सीपी आ गया सीपी के बाद तो बस वैल्यू पुट करिए कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इसके बाद बच्चा एट पॉइंट फोर और एक्सप्लेन कर दूं, कहीं लिखा है और थर्टी कुछ भी नहीं करना होता बच्चे ये तो फ्रैक्शन है एक बार बताओ अगर मैं आपको कहीं एट पॉइंट फोर और थर्टी लिखता हूं तो आप कैसे सॉल्व करोगे बोलो एक सेकेंड रुको थर्टी या थ्री है पहले थ्री था ना थर्टी नहीं है पहले थ्री है अब आप खुद बताइए अगर मैं एट पॉइंट फोर और थ्री लिखता हूँ तो आप कैसे सॉल्व करोगे कुछ भी नहीं करोगे सर सर आप जीरो सिंप्लीफाई कर दोगे पॉइंट हटाओगे सर से छिप्लीफाई हो रहा है जा होता होता है है एंड छ से डिवाइड हो रहा है जा जा तो कुल मिला के सर ये सिंप्लीफाई करके फोर्टीन फाइव आ रहा है बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आ, या ना। क्या क्लियर है चले आगे अब आ जाए इस क्वेश्चन की तरफ हाँ मेनी किलोग्राम, अब मैं इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हम। अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं ऐसे क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बीच में बता दूं जेएमआई एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं जामिया मिलिया में ऐसे क्वेश्चन एएमयू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन सी लॉ जो यूजी लॉ होता है उसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सी पीजी लॉ में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन और इस और सेम क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं केवल डिफरेंस इतना है क्लैट में डीआई की फॉर्मेट में आएंगे अगर आएंगे तो और इन डायरेक्ट सभी एग्जामों में डायरेक्ट यही क्वेश्चन हो सकता है विद डेटा विद ऑप्शन यही आ जाए समझ पा रहे हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग एक राइस है ट्वेंटी रुपीज पर के जी जिसकी सीपी है उसने कहा ट्वेंटी रुपीज पर के जी के कितने किलोग्राम राइस मैं मिक्स कर ऑफ राइस राइस कॉस्टिंग पर पर के के साथ मिक्स कर दूर्टी so, जिससे कि मिक्सर का 28 पर केजी हो जाए। आप समझ पा रहे बच्चा समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कौन बताएगा कैसे करें एक तरफ तो राइस है ट्वेंटी रुपीज पर के जी वाली एक तरफ राइस है थर्टी टू रुपीज पर के जी वाले ट्वेंटी पर के जी के कितने केजी 32 रुपीस पर केजी के जी राइस थर्टी टू रुपीज पर के जी के चालीस के जी के साथ मिक्स करें कि कॉस्ट प्राइस अट्ठाईस रुपए पर के जी हो जाए बोलो बोलो बताइए जी कैसे करें कोई आइडिया बच्चा कोई आइडिया मैं सॉल्व करूं तो पहले वाले के 20 केजी मिक्स करें 30 मिक्स करें के केजी मिक्स करें या दी मैं सीधा अप्रोच पर आता हूं मैं सीधा अप्रोच पर आता हूं डिटेल से भी कर सकते हैं सीधे अप्रोच। तो मिक्सर एलिगेशन में बड़ा सिंपल सा फंडा तीन डेटा हो आपके पास पहला वाला है ट्वेंटी रुपीज पर के जी का दूसरा वाला है थर्टी टू रुपीज पर के जी का और मिक्स करने पर आना चाहिए ट्वेंटी एट रुपीज पर के जी कमाल की बात यह है कि तीनों सीपी हैं। कमाल की बात यह है कि तीनों सीपी हैं, कॉस्ट प्राइस है या ऐसे भी पहचान सकते हैं कोई पूछे सर कैसे पता चलेगा कॉस्ट प्राइस है अरे देखो सिंपल सा लॉजिक है जब प्रॉफिट और लॉस नहीं दे रखा है तो सीपी है अगर वो प्रॉफिट लॉस दे देगा तो इसका मतलब वो प्रॉफिट लॉस का यूज करना पड़ेगा और फिर भी सेलिंग प्राइस का वर्ड ही नहीं है तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि इसके कितने के जी चावल इसके 40 के साथ मिक्स करें कि रेशियो सीपी इतनी हो जाए तो हम जैसे करते थे बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस 1:2 बोलो हां या ना बताइए क्या क्लैरिटी है यस और नॉट चले अब एक चीज को समझो जो मैं समझा रहा हूं पूरा का पूरा चैप्टर बच्चा केवल और केवल इसी कंसेप्ट पे काम करता है पूरा का पूरा चैप्टर केवल और केवल इसी कंसेप्ट काम करता है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं पूरा का पूरा क्या कंसेप्ट है अगर मान लेते हैं यहां सीपी गिवन है यहां भी सीपी गिवन है और यहां भी सीपी गिवन है ये भी सीपी ये भी सीपी ये भी तो बड़ी डिजिट में से माइनस करने के बाद ये रेशो किस चीज का आएगा दूसरा मान लेते हैं यहां एसपी गिवन है यहां एसपी गिवन है और यहां भी एसपी गिवन है। ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस और बड़ी डिजिट में से माइनस करने के बाद यहां किस चीज का रेशियो आएगा या फिर यहां पे मान लेते हैं स्पीड गिवन है जरूरत नहीं सीपीएसपी हो यहां भी स्पीड गिवन है ये भी स्पीड गिवन है यहां भी स्पीड है यहां भी है, यहां भी स्पीड स्पीड है है बड़ी डिजिट में से छोटी को माइनस करने के बाद यहां किस चीज का रेशियो आएगा कोई बताएगा ये सीपी सी पी या एस पी एस पी एस पी स्पीड 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 तो रेशियो किस चीज के आएंगे एक और लेते हैं यहां भी इस... टाइम गिवन है यहां टाइम गिवन है एक ट्रेन ने इतना टाइम लिया यहां भी टाइम गिवन है तो ये रेशियो किस चीज का आएगा कोई बताएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक आंसर आ रहा है क्वांटिटी का समझिए जो भी स्लैश के नीचे होता है अपॉन में जो होता है मैंने क्या बोला जो स्लैश के नीचे होता है सर अगर दोनों में एसपी लिखा है और सीपी निकालना है तो क्या करेंगे मैं सब बताऊंगा बच्चे, सब बताएंगे फॉर्मूला लगाएंगे सीपी बराबर एसपी 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अगर 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 दोनों सीपी हो या जो भी कुछ भी हो जो स्लैश के नीचे होता है रेशियो उसी का आता है कौन है स्लैश के नीचे देखो प्राइस का मतलब क्या होता है जैसा मैं आपसे कहूं कि मार्केट में आज कोई चीज का रेट कोई चीज का प्राइस का आ, जो प्राइस है वो बीस रुपए पर केजी है तो स्लैस के नीचे कौन है पर केजी क्वांटिटी तो वो जो रेशियो आएगा ये क्वांटिटी का आएगा ये भैया हजार करोड़ की बात है जो मैं इस समय आपको समझा रहा हूं ये हजार करोड़ का कंसेप्ट है अगर ये सेलिंग प्राइस है अगर ये सेलिंग प्राइस है अगर ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस भी क्या होता है मैंने किसी चीज को बीस रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर दिया तो नीचे तो सेलिंग प्राइस क्वांटिटी ही है कि नहीं अगर ये स्पीड है अगर ये स्पीड है स्पीड क्या होता है बच्चे स्पीड इज टू होता डिस्टेंस अपॉन टाइम तो नीचे किस चीज का रेशियो है टाइम का रेशियो और अगर मैं बोलूं यहाँ टाइम है तो ये स्पीड का रेशियो ऐसा नहीं होता कि आप सोचो आपने सीपी रखा यहां भी सीपी रखा यहां भी सीपी रखा और ये भी रेशियो सीपी का होगा ऐसा नहीं होता है ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं क्या आप समझ पा रहे हैं यस और नॉट तो इसका मतलब ये जो रेशो आया है जिसको मैं बोल रहा द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। मैं चाहूं तो इसको विद, विद एक्स से भी कर सकता हूं उससे बचते मतलब अगर ये इसके चालीस किलो चावल मिक्स किए गए बीस गुना तो इसका भी बीस 20 गुना ट्वेंटी 20 तो राइट आंसर इज राइट आंसर इज ट्वेंटी कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है हाँ या ना? क्या क्लैरिटी है सर रीजन क्या है जहीर का आंसर है अपॉन में नीचे वाले क्वांटिटी आने का रीजन है एवरेज चैप्टर का कंसेप्ट जब आप एवरेज चैप्टर को पूरा डिटेल में देखेंगे तो देखेंगे इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ये एवरेज से आता है कि नीचे वाली क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट करती है किस चीज को जो स्लैश के नीचे होता है ठीक है ना एवरेज में हम बहुत डिटेल में देखेंगे अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के थ्रू मिक्सर एलिगेशन का यूज कहां कहां हो सकता है मैं आपको बताऊं मिक्सर एलिगेशन कहां यूज होगा देखो नंबर वन मिक्सर और एलिगेशन में तो यूज होगा ही होगा नंबर टू परसेंटेज चैप्टर में भी तो ये कंसेप्ट है ये खाली कोई वो नहीं है आ रहा मैं आ रहा हूं उस पर जही आ रहा हूं तो खाली कोई कोई वो नहीं है मिक्सर एलिगेशन का यूज टाइम और डिस्टेंस में भी यूज हो सकता है होता है मैं अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है मिक्सर एलिगेशन का यूज प्रॉफिट लॉस में भी होगा मिक्सर एलिगेशन का यूज आपका इसके साथ परसेंटेज में हो गया पाइप एंड सिस्टम में भी होता है इतने चैप्टरों में तो डायरेक्ट मिक्सर एलिगेशन का यूज होता है कौशल का आंसर लेते हैं बीस किलोग्राम क्यों आ रहा है आइए देखते हैं समझो बच्चा ये क्लैरिटी ये क्लियर है जो बच्चा कह रहा है बीस कैसे आ रहा ये क्लियर है कि ट्वेंटी रुपीज पर केजी वाले के ट्वेंटी रुपीज पर केजी वाले के सीपी और थर्टी पर के वाले के सीपी का मिड पॉइंट अट्ठाईस पर के था रेशो आ रहा था वन टू ये क्या है ये क्वांटिटी का रेशियो है मतलब इसके कितने किलोग्राम चावल x तो इसके कितने किलोग्राम चावल 2x जबकि कहा आ, 32 वाले के तो 40 किलोग्राम चावल है तो 2x ही तो 40 है तो x बराबर 20 है तो x बराबर 20 है और बोलो हाँ या ना कौशली क्लियर है क्या ये क्लैरिटी है जहीर कौशल इसका पूरा प्रूफ है जैसे जहीर पूछा था सर वो नीचे वाला ही क्यों रिप्रेजेंट करता बच्चा उसका पूरा प्रूफ है जब मैं एवरेज चैप, चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नीचे वाला ही डेटा होता है अब मैं आपको दिखा दूंगी मिक्सर एलिगेशन खाली कोई ये इसी वजह से क्लैट वाले बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लैट का एग्जाम मैं पहले से बोलता हूं एक जंग की तरह है और मिड जंग में आपको किस हथियार की जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता पता लगा कि अर्जुन को घेर लिया है और आपको हथियार चाहिए जो ज्यादा यूज हो सके तो भैया मिक्सर एलिगेशन अब मैं आपको दिखाऊंगा मिक्सर एलिगेशन टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे यूज होता है

स्पीड ऑफ द बस इज सेवेंटी टू किलोमीटर पर अवर एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज वन किलोमीटर पर अवर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस निकालिए कैसे करें बोलो आइडिया खुद करो फाइंड बच्चा खुद निकालो एक बार दो हजार किलोमीटर की डिस्टेंस अट्ठारह घंटे में तय करता है कुछ पार्ट ट्रेन के द्वारा कुछ पार्ट बस के द्वारा बस की स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है वन सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो डिस्टेंस कितनी गया बस के थ्रू अच्छा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आ जाओ सॉल्व करें तीन डेटा अगर मेरे पास है तो क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं पहला डेटा दूसरा डेटा तीसरा डेटा यहां पहला डेटा गिवन है कुछ ट्रेन के द्वारा कुछ बस के द्वारा बस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर बस 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल सी बात है कॉमन सेंस है अगर एक तरफ मैंने स्पीड लिखी है इस तरफ भी स्पीड लिखी है तो मिड में भी स्पीड लिखूंगा लेकिन मिड में तो एवरेज आती है एवरेज का मतलब अब एवरेज कैसे निकालें जब ट्रेन वो पर्सन टोटल जाता ही 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है 18 घंटे में तो स्पीड 1000 अपॉन 9 हुई कि नहीं कमेंट करो यस और नॉट ये हो गई एक हजार अपॉन के नौ बताइए 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 क्या ये क्लियर है कि नहीं बहुत बढ़िया बच्चे एक बच्चे का आंसर आ चुका है सेवेंटी ट्वेंटी किलोमीटर तो बस ये है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है या ये थोड़ा सा आपको आ, टिपिकल लग सकता है क्योंकि डिजाइन है क्वेश्चन देखो क्वेश्चन के डिजाइन पर डिपेंड करता है भैया जब वो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में यूज करना पड़ेगा नहीं हो रहा है कैंसिल आउट वो ये है वन थाउजेंड अपऑन नाइन माइनस वन सिक्सटी वन थाउजेंड माइनस के वन फोर्टी फोर पहले लिख लें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम तो माइनस तो लगाएंगे ही नहीं जीरो अपॉन के नाइन अट्ठारह फोर्टी एट वन थाउजेंड अपॉन के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको तो पता माइनस तो लगाना ही नहीं है आंसर तो प्लस में आ रहा है यस और नॉट फोर फोर जीरो रेशियो थ्री फिफ्टी टू लेकिन अभी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ग्यारह से सिंप्लीफाई हो रहा इलेवन फोर जो इलेवन थ्री जाओ इलेवन टू जाओ आठ से सिंप्लीफाईट फाइव जाओ एट फोर जाओ ये किस चीज का रेशियो आया ये स्पीड है तो ये टाइम का रेशियो आया टोटल टाइम कितना है अट्ठारह घंटे टू टाइम्स तो दस घंटे यहां लेगी बस और आठ घंटे लेगी ट्रेन पूछा बस कितना डिस्टेंस कवर है स्पीड इनटू टाइम बस की स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर टेन आवर्स के हिसाब से 720 ट्वेंटी किलोमीटर बोलो चले आगे कोई डाउट बच्चा चलो अगर आपको सच में कंसेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर होमवर्क के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में जरूर दे देंगे ठीक है तो आप में से कितने बच्चे हैं जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार कमेंट करो कितने बच्चे जो सीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं कितने बच्चे जो क्लाइट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कितने बच्चे जो जेएमआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं कितने बच्चे जो एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं कितने बच्चे जो सीयूटी पीजी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक बार कमेंट करिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबसे पहले सीधा-सीधा डालेंगे फोर सेवन अगर आप सीयूटी यूजी लॉ के थ्रू जाना चाहते हैं जो बैच स्टार्ट जो लगभग जिसका बैच आप देखें तो होने वाला है और कोर्सेज पाएंगे यूजी पीजी यूजी लॉ के लिए हाँ जो भी यूजी लॉ के लिए है तो यूजी लॉ के लिए बच्चा आप सेपरेट बैच यूजी के लिए भी यहां से भी ले सकते हैं जो आपका प्रतिज्ञा बैच है आज मेरी इसमें डेमो क्लास है हाँ, मैं बच्चा समझ आता हूँ प्रतिज्ञा में डेमो क्लास है शाम को फाइव और सिक्स पी पर तो इसमें आप जोड़ सकते हैं कोड अप्लाई करेंगे that is और अगर कोई बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है लॉ के लिए तो आप सीधा सीधा हमारे साथ यहां से लॉ एंट्रेंस क्लैट में आकर क्लास में एनरोल कर सकते हैं विजनरी बैच को जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है इसमें Y696 लगाना है कोड केवल ओके ओके ज्योति बच्चा कह रहे पीजी लॉ के लिए बहुत बढ़िया बच्चा ज्योति बच्चा पूछ रही थी कि सर हमें 5 4 रेशियो कैसा है ये क्लियर नहीं है बच्चा 8 से सिंपलीफाई किया 8 5 40 8 4 32 सिंपल ठीक है चलो इतना रखते हैं नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे टाटा बाय बाय